नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत पर बात की थी और वर्ड्सवर्थ के अभिन्न मित्र थे कॉलरिज। भले ही उनमें कालांतर में मतभेद स्थापित हो गया, मतभेद उत्पन्न हो गया कुछ एक कारणों से, क्योंकि जिन विचारों को वर्ड्सवर्थ ने प्रस्तुत किया था, कॉलरिज बाद में उनसे असहमत हुए। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी उनमें दोस्ती तो थी, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज के सत्र में हम कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला बिंदु दोस्तों हमें जो जानना चाहिए वो ये कि कॉलरिज का पूरा नाम आखिर क्या था। जिस तरीके से अज्ञेय के पूरे नाम को हमें जान लेना चाहिए, उसी तरह से हम जब कॉलरिज की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उनका पूरा नाम सैमुअल टेलर कॉलरिज था। सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका जन्म 23 अक्टूबर 1772 में ऑटरी सेंट मेरी में हुआ था। ऑटरी सेंट मेरी स्थान का नाम है जो कि इंग्लैंड में है। इनके जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता ये थी कि सामान्यतः लड़कों को अपने पिता से जीवन निर्वाह के विषय में, जीवन किस प्रकार व्यतीत करें उसका दिशा निर्देश मिलता है, लेकिन पिता की अपेक्षा कॉलरिज को माता से जीवन में प्रगति करने का मार्गदर्शन मिला। माता की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और उसके बाद ये अपने चाचा के संपर्क में रहे और उनके संपर्क का परिणाम ये हुआ दोस्तों कि कॉफी हाउस और शराब के ये शौकीन हो गए और जो इनका मार्ग था उस मार्ग से ये भटक गए। इन्होंने जीवन में हर तरह का काम किया, निम्न का कोटि का काम भी किया और उच्च कोटि का साहित्यिक कार्य किया, जिसकी वजह से हम आज इन पर चर्चा कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने जीवन में एक चर्मकार यानी चमड़े का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला यानी चमड़े से विभिन्न वस्तुएं बनाने का काम किया। और होमर जो कि यूनान के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं और इलियड और ओडिसी जैसे महाकाव्यों के रचयिता माने जाते हैं, उनके साहित्य का अध्ययन भी किया। यानी इन्होंने अपने जीवन निर्वाह के लिए किसी भी काम को करने में छोटा या बड़ा नहीं माना, बल्कि जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किसी भी काम को करने की तत्परता दिखाई और साहित्यिक साधना इनकी चलती रही। 1791 से 1794 के बीच कैम्ब्रिज का जीसस कॉलेज था, उस जीसस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और फिर ये राजनीति की ओर भी मुड़े कुछ समय के लिए और रिपब्लिकन दल जो था इंग्लैंड का वहां के नेता भी रहे। इसके कुछ समय बाद ये मानव जाति के सुधार कार्यों से भी जुड़े, यानी साहित्य से जुड़े, उसके बाद राजनीति से जुड़े, उसके बाद मानव कल्याण से संबंधित कार्यों से भी जुड़े। 1796 में अपने एक मित्र की सहायता से इन्होंने अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया। 1797 में, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इनकी मुलाकात वर्ड्सवर्थ से हुई और दोनों गहरे मित्र बन गए। वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी का इनके जीवन पर गहरा और सकारात्मक प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि जो प्रतिभा, जो रचनात्मक प्रतिभा, जो साहित्यिक प्रतिभा इनमें दबी हुई थी वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी, क्योंकि साहित्यिक प्रतिभा संपन्न दोनों व्यक्तित्व थे, इसलिए उनसे इनकी जो रचनात्मक प्रतिभा थी उसको प्रेरणा मिली, यानी वो जागरूक हो गई, सक्रिय हो गई। असफल इनका जो वैवाहिक जीवन था वो बहुत असफल रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि 1807 में ये धार्मिक जीवन की ओर मुड़े, यानी चर्मकार का कार्य किया, उसके बाद इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की, होमर के साहित्य को पढ़ा, राजनीति से जुड़े, समाज कल्याण के कार्यों से जुड़े, साहित्यिक जीवन में फिर आगे बढ़े, उसके बाद धार्मिक जीवन की ओर उन्मुख हो गए। यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र इन्होंने नहीं सोच छोड़ा जिससे कि ये जुड़कर अपने जीवन की सही राह तलाश करने में प्रयत्नशील न रहे हों। और उसके बाद फिर से ये राजनीतिक जीवन की ओर मुड़ गए। वर्ड्सवर्थ के साथ इन्होंने लिरिकल बैलेड्स नामक एक संयुक्त काव्य संग्रह प्रकाशित किया, जिसकी चर्चा पिछले सत्र में जब हम वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे उस समय हम कर चुके हैं, क्योंकि लिरिकल बैलेड्स की भूमिका ही वो मैनिफेस्टो है, वो अध्यादेश है जिससे स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का अंग्रेजी साहित्य में सूत्रपात माना जाता है। तो उसमें लिरिकल बैलेड्स में, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के साथ इनकी कॉलरिज की भी साहित्यिक कृतियां थी यानी कविताएं थी, तो इस कारण उन्हें भी काफी यश
प्राप्त हुआ। इन्होंने वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद यानी रोमांटिसिज्म का सूत्रपात किया, जिसकी चर्चा हमने पिछले सत्र में भी की थी। ये निरंतर, क्योंकि जीवन इतना विषमताओं से भरा हुआ था, इतना संकटग्रस्त था कि उन सब से पीड़ित होकर ये निरंतर अस्वस्थ रहने लगे और उन पीड़ाओं को भूलने के लिए इन्होंने अफीम खाना शुरू कर दिया और परिणाम ये हुआ कि इस अफीम खाने की लत के कारण वे हमेशा हमेशा विषादग्रस्त रहने लगे। 1830 से 1834 तक लिए लगातार 25 जुलाई 1834 में इनका निधन हो गया। इनकी अत्यंत प्रसिद्ध जो कृतियां हैं, बहुत सारी कृतियों की इन्होंने रचना की, उनमें से बहुत ज्यादा प्रसिद्धि जिन कृतियों की कारण इनको मिली वो है, सबसे पहली कृति कुबला खान, 1797 में इनका इसका प्रकाशन हुआ। उसके दूसरी महत्वपूर्ण कृति है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, जिसका 1797-98 ईस्वी में प्रकाशन हुआ। फिर उसके बाद है बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसका 1817 में प्रकाशन हुआ। इनके इनकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन्होंने बहुत सारा विपुल साहित्य लिखा, लेकिन जिस काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण पर हम आज बात करने जा रहे हैं, यानी इनके कल्पना सिद्धांत जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, पर काव्य शास्त्र से संबंधित उस पर इनके विचार बायोग्राफिया लिटरेरिया, लिटरेरी रिमेन्स, मिसलेनियस क्रिटिसिज्म, शेक्सपीरियन क्रिटिसिज्म, इनके जो ग्रंथ हैं उनमें संकलित हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने कविता के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। बायोग्राफिया लिटरेरिया एक वो ग्रंथ है दोस्तों इनका, जिसके जिसके आधार पर इनको प्रसिद्धि मिली और इनके कल्पना सिद्धांत का विश्लेषण हुआ, उसकी चर्चा हुई। बायोग्राफिया लिटरेरिया शब्द को अगर हम हिंदी में अनुदित करें तो बायोग्राफी का अर्थ होता है जीवनी और लिटरेरिया है लिटरेचर यानी साहित्य, यानी साहित्य की जीवनी, यानी साहित्य की पूरी विकास यात्रा से संबंधित उनका ये ग्रंथ है। इसमें उन्होंने कविता के बारे में विस्तार से चर्चा की। कॉलरिज अंग्रेजी के पहले विद्वान है, ध्यान देंगे इस बिंदु पर, कॉलरिज अंग्रेजी के पहले विद्वान है जिन्होंने दार्शनिक आधार पर काव्यालोचना की, यानी काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का विश्लेषण उन्होंने दार्शनिक पृष्ठभूमि पर किया। अब किस प्रकार किया इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। इनसे पहले जो भी काव्य शास्त्रीय चर्चाएं हुआ करती थी, काव्य शास्त्र की दृष्टि से जो विश्लेषण किसी भी काव्य कृति का होता था, जांच पड़ताल जो होती थी, उसका अर्थ था कृति यानी जो रचना की गई है वो, और कृतिकार यानी रचनाकार, उनके गुण और दोषों का विवेचन करना ही काव्य शास्त्र का अर्थ था। कब था? कॉलरिज से पहले। लेकिन कॉलरिज ने आकर के काव्यालोचन का जो अर्थ था इसको व्यापक आधार प्रदान किया, क्योंकि इन्होंने काव्यालोचन को केवल किसी भी रचना या रचनाकार के गुण और दोषों की सीमा में बांध कर नहीं रखा, बल्कि उसे बहुत बारीक दृष्टिकोण से परखने की, देखने की दृष्टि भी विकसित की। उन्होंने कहा, सर सबसे पहले कॉलरिज ही थे जिन्होंने आलोचक का ध्यान रचनाकार की रचना प्रक्रिया की ओर जोड़ा। उन्होंने कहा कि किसी रचना का जब हम काव्य शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं तो केवल उस रचना के गुण और दोषों का की चर्चा करने मात्र से ही काव्य शास्त्रीय विश्लेषण नहीं होता, बल्कि हमें उस कवि की, उस रचना की जो रचना प्रक्रिया है, उस रचना को करते समय जिस दौर से वो गुजरा है उस दौर की ओर भी ध्यान देना चाहिए बारीकी से, तभी हम रचना की तह तक पहुंच पाएंगे। यानी उन्होंने सबसे पहले रचना प्रक्रिया की ओर आलोचकों का ध्यान आकर्षित किया, ये उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, पहली बात कि कॉलरिज ने दार्शनिक आधार पर काव्यालोचन करना शुरू किया। दूसरी बात, इन्होंने सबसे पहले आलोचकों का ध्यान रचनाकार की रचना प्रक्रिया की ओर केंद्रित किया। उन्होंने कहा, अब उन्होंने रचना प्रक्रिया की ओर ध्यान किस तरीके से आकर्षित किया और कैसे अपने पूर्ववर्ती जो सिद्धांत थे जिसमें केवल रचना के गुण दोषों की ही बात की जाती थी और काव्य शास्त्रीय विश्लेषण मान लिया जाता था, उसका विरोध करते हुए उन्होंने लिखा, टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग रादर देन टू फर्निश रूल्स पास जजमेंट ऑन व्हाट हैज बीन रिटन बाय अदर्स। वे क्या लिखते हैं, अर्थात उनका, पीछे समझ लेते हैं इसको,
ये उनका प्रयत्न, क्योंकि ये कांश है, तो इससे पहले जो प्रसंग चल रहा है उसमें निहित है ये शब्द उनका प्रयत्न। तो वे लिखते हैं उनका प्रयत्न टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग रादर देन टू फर्निश रूल्स हाउ टू पार्टिसिपेट। तो वो कहते हैं कि उनका प्रयत्न क्या है, टू एस्टेब्लिश यानी स्थापित करना, प्रतिपादित करना, क्या प्रतिपादन करना, सिद्धांत प्रतिपादित करना। कौन से सिद्धांत? राइटिंग यानी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण कैसे किया जाए, किसी भी रचनाकार की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण कैसे किया जाए, उससे संबंधित सिद्धांतों का प्रतिपादन करना करने का उनका प्रयास है अपनी रचना में। ये प्रयास वो नहीं कर रहे कि किस तरीके वो ये नियम वो नहीं बना रहे कि किस तरीके से किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो कुछ भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा साहित्य लिखा गया है उस पर जजमेंट कैसे बनाया जाए, यानी उसके अच्छे और बुरे होने का, अच्छे और बुरे होने का निर्णय कैसे किया जाए, इस विषय में वो नियम नहीं बना रहे, बल्कि वो नियम इस तरीके से बना रहे हैं, वो जो अपनी बात कह रहे हैं वो इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए कह रहे हैं कि व्यक्ति जब काव्य शास्त्रीय दृष्टि से किसी भी कृति की आलोचना करे तो वो ये ध्यान रखे कि कैसे वो उस कवि की, उस रचनाकार की रचना प्रक्रिया को गहराई से समझ सकता है। अर्थात उनका प्रयत्न रचना सिद्धांतों का प्रतिपादन करना है। कौन से रचना सिद्धांत? जिनसे किसी भी रचनाकार की रचना प्रक्रिया जो है उसको समझने में सुविधा हो, न कि दूसरों की रचनाओं पर निर्णय देने संबंधी नियमों का निर्धारण करना। कॉलरिज अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में माने जाते हैं, इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि स्वच्छंदतावाद के वर्ड्सवर्थ के साथ स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तन किया था इन्होंने, इसलिए जब ये समीक्षक हुए तो इन्हें स्वच्छंदतावादी समीक्षक के रूप में स्वीकार किया गया। इसका एक है कि समीक्षा के जो पहले के मानदंड थे जिसमें केवल रचना की समीक्षा, उसके गुण और दोषों की चर्चा करके ही समाप्त कर दी जाती थी, उसको तोड़ा उन्होंने और नए मानदंड स्थापित किए जिनके आधार पर किसी भी रचना की रचना प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा सके, उसके मूल तत्व को, उसके कथ्य को अच्छी तरह से, गहराई से समझा जा सके। इसलिए इन्हें स्वच्छंदतावादी समीक्षक कहा जाता है। रैनवेलेक एक विद्वान है, वे मानते हैं कि इन्होंने भी विचार प्रस्तुत किए अपने कल्पना सिद्धांत या कविता या साहित्य के विषय में, वो लेसिंग एक विद्वान, कांट दूसरे विद्वान, शेलिंग तीसरे, शिलर चौथे, श्लेगल्स पांचवें, इन पांच, ये सारे जर्मन दार्शनिक हैं, इन जर्मन दार्शनिकों से प्रभावित हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इनमें से सबसे अधिक चर्चा इस बात की रही है दोस्तों कि कॉलरिज के विचारों से बहुत गहराई से प्रभावित है, जिस पर हम आगे बातचीत करने वाले हैं। अब बात आती है कल्पना सिद्धांत की, कि आखिर जिस कल्पना सिद्धांत की चर्चा इतनी होती है काव्यशास्त्र में, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में, आखिर उसका अर्थ क्या है। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र में मोटे तौर पर हमें जान लेना चाहिए साहित्य के चार तत्वों की चर्चा हुई है, बुद्धि तत्व, भाव तत्व, शैली तत्व और कल्पना तत्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के यहाँ भी बुद्धि तत्व, भाव तत्व और शैली तत्व की चर्चा मिलती है, यहाँ पर चौथा तत्व है कल्पना तत्व। इनमें से सबसे अधिक कॉलरिज ने किसे माना? कल्पना को माना। कल्पना के संबंध में कॉलरिज का जो सिद्धांत है वो बहुत अधिक प्रसिद्ध हुआ, जिस पर अभी चर्चा की, जर्मन दार्शनिक कांट का प्रभाव दिखाई देता है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना साहित्य का प्राण है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग कल्पना को साहित्य की आत्माएं घोषित की, प्राण घोषित किया। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाषा साहित्य का प्राण है। भारतीय काव्य शास्त्र में किसी ने रस, किसी ने ध्वनि, किसी ने रीति को माना, उसी तरह से कॉलरिज ने मत व्यक्त किया कि साहित्य का जो प्राण है, साहित्य की जो आत्मा है, वो कल्पना है। अब कैसे है कल्पना, इस बात को यहीं से शुरू होता है कॉलरिज का कल्पना, तो क्यों उन्होंने साहित्य की आत्मा माना, इस बात को हम अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से पढ़ेंगे। वह सृजना शक्ति का आधार है। कल्पना साहित्य का प्राण क्यों है? क्योंकि जो सृजन करता है, सृजना शक्ति क्या होती है? किसी भी रचना का निर्माण करने की जो सामर्थ्य होती है किसी व्यक्ति में,
वही उसकी सर्जना शक्ति होती है, वही उसकी कलात्मक प्रतिभा होती है, वही उसकी रचना प्रक्रिया होती है, रचना करने की सामर्थ्य होती है। तो वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति में अगर व्यक्ति में कल्पना नहीं है, कल्पनाशीलता नहीं है, तो उसमें सर्जना शक्ति होगी ही नहीं, और ऐसी स्थिति में काव्य का सृजन बिना कल्पना के संभव है ही नहीं। इस कल्पना साहित्य का प्राण है, कल्पना ही वो आधार प्रदान करती है भी साहित्य रचनाकार को, जिससे उसकी प्रतिभा जागृत होकर किसी भी काव्य कृति का सृजन करने की ओर प्रेरित होती है। कल्पना ही वह शक्ति है जिससे साहित्य रोचकता, और कल्पना के द्वारा साहित्य रोचक बनता है, रोचक यानी आनंद देने वाला बनता है। कल्पना के बहुत सारे कार्य होते हैं, ऑलरिज ने कहा कल्पना अलग अलग स्तरों पर काम करती है, वह मनोव्यापार के विभिन्न स्तरों के अनुसार काम करती है। ध्यान देंगे शब्द पर, ध्यान देंगे मनोव्यापार। मनोव्यापार का मतलब है मानसिक व्यापार, मानसिक कार्य प्रणाली। क्योंकि कल्पना, हम दोस्तों हम सब भी अपने जीवन में तरह तरह की कल्पनाएं करते हैं। आप जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप अपने मन में कल्पना करते हैं कि मैं ये परीक्षा दूंगा, मैं उसमें सफल होऊंगा, और उसके बाद मेरी नियुक्ति होगी, मैं जिस स्थान पर जाऊंगा वहां इस प्रकार अपना जीवन निर्वाह करूंगा, मैं इस प्रकार अपने कार्य को अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करूंगा, ये सारे विचार जो हम करते हैं ये वास्तव में हमारी कल्पना शक्ति का प्रमाण है। तो जितना भी मन में जो कुछ भी कार्य प्रणाली चलती है वह विभिन्न स्तरों के अनुसार चलती है, जिसमें जितनी रचनात्मक प्रतिभा होती है वो उसी स्तर पर सोचता है। कल्पना के अलग अलग स्तर होते हैं, और जब कल्पना अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचती है तब वो सबसे अधिक रचनात्मक सामर्थ्य से युक्त होती है, ये कहना था कॉलरिज का। कल्पना का पहला स्तर क्या है? शुद्ध अनुकरण। शुद्ध अनुकरण यानी हमने प्रकृति में, अपने परिवेश में जो कुछ भी देखा उसे उसके विषय में अपने मन में सोचा, यही शुद्ध अनुकरण है। यानी देखा और उसको मन में ग्रहण किया और सोचा, ये शुद्ध अनुकरण है, ये आधार है कल्पना का पहला स्तर। रूप ग्रहण करने के बाद कलाकार, अब जब हमने उस रूप को जो हमने बाहर देखा है उसे जब हम अपने हृदय में स्थापित कर लेते हैं और उसके विषय में सोचने लगते हैं, तो जैसे जैसे हम सोचते हैं वैसे वैसे हम कल्पना के अलग अलग स्तरों पर गहरे और गहरे चलते चले जाते हैं। यानी प्राथमिक स्तर से ऊपर उठकर, निम्नतम स्तर से ऊपर उठकर, ऊपर फिर ऊपर और फिर ऊपर चलते चले जाते हैं, और सर्वोच्च बिंदु पर पहुंचकर हम सृजन करने की सामर्थ्य से युक्त होते हैं। इस बात को इन्होंने इस तरीके से समझा। इसमें एक बात प्रसंगवश दोस्तों आपको समझाने की दृष्टि से मैं और कहूं कि जो कुछ भी हम देखते हैं उसको देखकर, ये मनुष्य की स्वाभाविक एक शक्ति होती है, एक सामर्थ्य होती है कि जो कुछ भी वो देखता है जब उसे मन में देखता है तो उसमें अगर छुटपुट कुछ कमियां होती हैं तो उनको हटा करके उसे सुंदर रूप में ही देखना चाहता है। आजकल मोबाइल का जमाना है, एक बहुत छोटा सा उदाहरण, आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल से अपनी अपनी फोटोज क्लिक करते हैं और उसमें फिल्टर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि आपने जो चित्र खींचा है, चाहे वो आपका है, चाहे वो किसी और दृश्य का है, किसी सुंदर जगह का है, आप उसे और अधिक सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। यही कल्पना है। कल्पना हमेशा सौंदर्य करने की, सुंदर कार्य रचना को, किसी भी वस्तु को सुंदर आकार प्रदान करने में सहायता प्रदान करती है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है ताकि आप आगे के सभी बिंदुओं को समझ सकें। रूप ग्रहण करने के बाद यानी जब हमने दृश्य को देखा, उसके बाद जब हम उस पर चिंतन करते हैं, तो जैसे जैसे कलाकार आगे बढ़ता है वैसे वैसे उच्च स्तर के मनोविकारों की उसे आवश्यकता होती रहती है। आगे चलें। कलाकृतियों सृजनात्मक कल्पना महत्वपूर्ण कार्य करती है। और जब कोई व्यक्ति, देखिए कल्पना शक्ति सबके पास होती है, कौन से स्तर की कल्पना शक्ति किसके पास है ये बात बिल्कुल भिन्न है। तो कल्पना शक्ति जब सृजनात्मक बिंदु पर पहुंचती है तो वो उच्चतम स्तर होता है। तो कलाकृतियों का सृजन करने, चाहे मूर्तिकार है, चाहे कोई चित्रकार है, चाहे कोई सुंदर इमारतें बनाया करता है या कोई काव्य सृजन करता है, तो उन सब में सृजनात्मक कल्पना का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी उच्च कोटि की कल्पना करने की प्रतिभा उसके लिए अनिवार्य होती है। कॉलरिज के अनुसार कल्पना का कार्य नकल करना नहीं है। ध्यान देंगे, कॉलरिज का कहना था कि कल्पना का कार्य नकल करना नहीं है, यानी जो कुछ देखा
हमने एक पेड़ देखा और उस पेड़ को वैसा का वैसा अपने चित्र में बनाकर रख दिया। ये नकल करना नहीं है, बल्कि जब कोई भी चित्रकार किसी पेड़ को देखेगा तो उसमें अपनी कल्पना का रंग मिलाएगा और उसे और अधिक आकर्षक, और अधिक सुंदर, और अधिक प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि इस को प्रभावशाली बनाने से, उसे और अधिक सुंदर बनाने से न केवल उसके हृदय को आत्मिक तोष और आनंद मिलेगा, बल्कि जो कोई उस व्यक्ति उस चित्र को देखेंगे उन्हें भी आनंद की अनुभूति होती होगी, क्योंकि कला का एक लक्ष्य आनंदानुभूति भी होता है। तो कल्पना का कार्य नकल करना नहीं है, वह दृश्य वस्तुओं का विस्तार करती है। दृश्य वस्तुएं क्या हैं? परिवेश में जो कुछ भी व्यक्ति देखता है उन सब को ग्रहण करती है कल्पना और उनको विस्तृत रूप प्रदान करती है मस्तिष्क में, फिर उन्हें क्या करती है, विच्छिन्न करती है, उन्हें अलग अलग करती है, और उसके बाद उनके द्वारा जब अलग अलग कर लिया उसके बाद एक स्वरूप का निर्माण करती है, पुनर्रचना करती है। ये कल्पना का कार्य है, नकल करना नहीं है, बल्कि दृश्य वस्तुओं का विस्तार करना, उन्हें विच्छिन्न यानी उन्हें अलग अलग करना, और उसके बाद उन सब को उसका समन्वय करके एक सुंदर कृति का निर्माण करना, ये कल्पना करते हैं। वह नवीन का निर्माण करती है कल्पना, ग्रहण की गई, परिवेश से ग्रहण की गई जो वस्तुएं हैं, जो दृश्य हैं, उन सब के द्वारा एक नई रचना प्रस्तुत करती है, वस्तु में सौंदर्य का संचार करती है, उसमें नया जीवन जोड़ती है, क्योंकि जो वस्तुएं प्रकृति में, परिवेश में हम देख रहे हैं वे चित्र में या काव्य में आकर और अधिक आनंददायक हो जाती हैं, क्योंकि कलाकार हमेशा उन्हें अपनी कल्पना के स्पर्श से नए रूप में प्रस्तुत करता है और उनमें नई आत्मा का संचार करती है। कॉलरिज ने कल्पना को एक समन्वयकारी शक्ति, देखिए हूबहू नकल नहीं है, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, दूसरी बात एक समन्वयकारी शक्ति के रूप में उन्होंने देखा। समन्वयकारी शक्ति क्या है कि बहुत सारी चीजें हमने परिवेश में देखी और उनके सामंजस्य करके, उनका समन्वय कर आपस में एक सुंदर रचना का निर्माण कर दिया, ये कल्पना की समन्वयकारी शक्ति है। यानी समन्वयकारी शक्ति के लिए उन्होंने शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है, यूनिफाइंग क्रिएटिव फैकल्टी, यानी यूनिफाइंग यानी एकीकृत करने वाली, समन्वित करने वाली, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, फैकल्टी यानी सामर्थ्य, तथा सौंदर्यीकरण करने वाली शक्ति यानी ब्यूटी मेकिंग पावर, यानी किसी भी वस्तु को सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने की क्षमता। तीन विशेषताएं हो गई हैं, पहली विशेषता है बहु नकल नहीं है, दूसरी बात है समन्वय करती है, तीसरी बात है सौंदर्यीकरण करती है। वह विभिन्न पक्षों को समन्वित कर एक सांचे में ढालती है। वे लिखते हैं, इट इज द यूनिफाइंग फैकल्टी ऑफ इमेजिनेशन दैट द अपोजिट फोर्सेज आर रिकंसाइल्ड। इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि कल्पना में समन्वित करने की, एकीकृत और समन्वित करने की जो सामर्थ्य है वो इतनी अधिक होती है कि परस्पर विरोधी दिखाई देने वाली वस्तुएं भी एक जैसी प्रतीत होती हैं और एक सम्मिलित होकर एक अच्छा प्रभाव डालती हैं। रिकंसाइल्ड फोर्सेस यानी आर रिकंसाइल्ड यानी ऑपोजिट यानी विरोधी जो वस्तुएं हैं वो भी सामंजस्यपूर्ण, रिकंसाइल्ड यानी सामंजस्यपूर्ण दिखाई देती हैं। अर्थात यह कल्पना समन्वयकारी शक्ति है के कारण पर विरोधी वस्तुएं प्रतीत होती हैं। कॉलरिज के अनुसार यह वह शक्ति है जो पृथक कर, ध्यान देंगे कि कल्पना क्या क्या काम करती है, कॉलरिज के अनुसार पृथक करती है। यानी हमने देखा बहुत सारी चीजें, हम देखते हैं दिन भर में न जाने कितनी वस्तुएं देखते हैं, उन सबको हमारी कल्पना शक्ति अलग अलग करती है, क्योंकि जब आपस में बहुत सारे दृश्य हम सुबह से शाम तक देखते हैं, बहुत सारी चीजों के से होकर गुजरते हैं, तो उन सब का एक मिश्रण सा हमारे मस्तिष्क में तैयार होता है, लेकिन हमारे मस्तिष्क के पास एक कल्पना शक्ति होती है और वही कल्पना उन सारे दृश्यों को अलग अलग करती है। विच्छिन्न करना शब्द जो था वो यहाँ पर पृथक करना उसका यही है। फिर क्या करती है, उन सबको अलग अलग करके उन्हें क्रम से व्यवस्थित करती है, फिर उनका विश्लेषण करती है, संश्लेषण करती है, कहां सामंजस्य किस तरीके से इनका बिठाया जाए, उसकी सामर्थ्य उत्पन्न करती है, क्योंकि यही कल्पना का वो आधार है। इतनी प्रक्रिया होने के बाद ही जन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, नव निर्माण की, किसी भी नई वस्तु को की रचना करने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके पहले व्यवस्थित होना जरूरी है। कल्पना के अभाव में कवि की अभिव्यक्ति अर्थहीन और नीरस हो जाती है, और कहते हैं कि कल्पना साहित्य के लिए, किसी भी कलाकार के लिए बहुत जरूरी है,
चित्र जीवंत नहीं बनेगा, मूर्तियां जीवंत नहीं होंगी, और यदि कवि कल्पना के बिना साहित्य लिखेगा तो उसमें अर्थ ही निरर्थक होगा और नीरस होगा, यानी बोझिल होगा, बिल्कुल भी आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगी। कल्पना पदार्थ तथा मन, विचार तथा भावना और तर्क तथा राग के बीच की अभेद्य दीवार। पदार्थ तथा मन क्या है? पदार्थ यानी जो वस्तुएं हमने सामने देखी हैं और जो हमने मन में ग्रहण किया, उनके बीच में अंतर होता है, लेकिन कल्पना के द्वारा कोई कवि या कोई कलाकार उस अंतर को तोड़ देता है, क्योंकि जब तक वो एकता स्थापित नहीं होगी तब तक रचना की प्रक्रिया शुरू होगी ही नहीं। तो पदार्थ और जो दृश्य दिखाई दे रहा है और जो हृदय में ग्रहण किया गया है, उनके बीच में जो भी है, जो दीवार है, तोड़ती है कल्पना। फिर विचार यानी बुद्धि और हृदय के बीच में, यानी बुद्धि के तराजू में तुलकर वो दृश्य अलग रूप में सामने आता है, और भावना के स्तर पर वो दृश्य अलग रूप में सामने आता है, उनके बीच में जो अंतर है उसे तोड़ती है, उसे समाप्त करती है, और तर्क और संवेदना के बीच का जो अलगाव है उसे समाप्त करती है। और इन सारी दीवारों को तोड़ने के बाद वो सारे जितना भी दृश्यमान वस्तुएं हैं उन सब का एक समन्वित रूप तैयार कर, एक आकार तैयार करती है, जो किसी भी रचनाकार को नया सृजन करने के लिए प्रेरित करता है। वह बाह्य को आंतरिक और आंतरिक को बाह्य बनाती है, जो अंतर है, क्योंकि हृदय में ग्रहण करते हैं हम, देखकर कोई भी दृश्य हम हृदय में ग्रहण करते हैं, यानी वो दृश्य जो बाहर था वो अंदर आ जाता है, और जो अंदर है वो बाहर आता है कैसे? रचनाकार की अभिव्यक्ति के माध्यम से। तो कल्पना के माध्यम से ही अभिव्यक्ति हो पाती है, ऐसा कॉलरिज मानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कल्पना ही वो शक्ति है जो बाह्य को, जो बाहर दिखता है उसे हृदय में आंतरिक बनाती है, और जो अंदर है उसे बाहर अभिव्यक्त करने की सामर्थ्य देती है। वह प्रतिबोधन, प्रतिबोधन का सीधा सा अर्थ आप ले लीजिए सजग होना, परसेप्शन। क्योंकि सजग होना, यहाँ पर इस शब्द को इसलिए हम जगाना एक तरह से, क्योंकि हम जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक हम चीजों को परिवेश में देखेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले प्रतिबोधन यानी परसेप्शन, उसके बाद अवबोधन यानी अंडरस्टैंडिंग, यानी हमने पहले चीजें देखी, फिर उसमें बारीकी से देखा, उसको समझा कि इसका स्वरूप क्या है, कि बीच की उस खाई को पाटती है जिसे बुद्धि पाटने में असमर्थ रहती है। यानी प्रतिबोधन और अवबोधन के बीच का जो दूरी है, जिसको बुद्धि के द्वारा कोई भी मनुष्य पूरा नहीं, दूर नहीं कर सकता, कल्पना उस बुद्धि, उस दूरी को समाप्त करने के लिए का प्रयत्न करती है, कार्य करती है। यानी पहले वो दृश्य को देखने के लिए जागरूक होती है, देखती है, उसके बाद उसको ग्रहण कर उस पर समझती है, उसके स्वरूप को समझती है। तो दोनों के बीच में एकता स्थापित करने का जो काम वो कल्पना करती है। कॉलरिज ने कल्पना के दो रूप माने, पहला प्राथमिक कल्पना जिसे प्राइमरी इमेजिनेशन कहा, और दूसरा विशिष्ट कल्पना जिसके लिए शब्द उन्होंने दिया सेकेंडरी इमेजिनेशन। अब प्राथमिक कल्पना क्या है? प्राथमिक कल्पना को कॉलरिज ने जीवंत शक्ति और संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण का मूल कारण माना। उन्होंने कहा कि जो प्राथमिक कल्पना है यही मूल है, जब तक प्राथमिक कल्पना नहीं होगी तब तक नव निर्माण का आधार तैयार नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी कला में जो जीवंत तत्व प्राप्त होता है वो कल्पना शक्ति के द्वारा होता है, और संपूर्ण प्रत्यक्षीकरण यानी पाठक के समक्ष या दर्शक के समक्ष या श्रोता के समक्ष सारा जो दृश्य कवि ने या कलाकार ने महसूस किया है उसे वो जीवंत कर दे, साकार कर दे, ये किसके द्वारा होता है? सारा का सारा प्रत्यक्षीकरण प्राथमिक कल्पना के द्वारा होता है। द प्राइमरी इमेजिनेशन आई होल्ड टू बी द लिविंग पावर एंड प्राइम एजेंट ऑफ ऑल ह्यूमन परसेप्शंस। ह्यूमन परसेप्शंस यानी मानवीय परसेप्शन, अभी हमने पढ़ा था प्रतिबोधन, यानी प्रतिबोधन यानी सजगता, जगना, किस अपने परिवेश के दृश्यों को अच्छी तरह से देखना। तो वो कह रहे हैं कि मेरा आई होप यानी मेरा विचार है कि प्राइमरी जो कल्पना है, जो प्राथमिक जो कल्पना है वो जीवंत शक्ति है किसी भी कला की, और प्राथमिक माध्यम है किसका? मानवीय प्रतिबोधन का, कि मनुष्य की जो सजगता की वृत्ति है अपने आसपास के परिवेश को, उसकी वस्तुओं को देखने की, उसे ग्रहण करने की जो शक्ति है, प्राथमिक माध्यम
ये प्राथमिक कल्पना ही है। मनुष्य को इंद्रियों द्वारा विविध वस्तुओं का बोध होता है। इसको ये सिर्फ इसलिए यहां प्रस्तुत किया जा रहा है दोस्तों, ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकें कि उनकी दृष्टि में प्राथमिक कल्पना आखिर थी क्या। तो वो कहते हैं कि मनुष्य को इंद्रियों द्वारा विविध वस्तुओं का बोध होता है, यानी हम अपनी इंद्रियों से संसार की न जाने कितनी वस्तुएं दिन भर में देखते हैं। इन विविध वस्तुओं से मानव मस्तिष्क अपनी सहजात शक्ति से मिश्रित स्वरूप को निश्चित आकार देकर प्रत्यक्षीकृत कर लेता है। इसको समझ लीजिए, हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने आज के दिन पेड़ देखे, चिड़िया देखी, पत्थर देखा, मिट्टी देखी, फूल देखे, स्त्री पुरुष देखे, हमने बहुत सारी चीजें देखी। और वो सारी चीजें जो हमने देखी, हमने अपने मस्तिष्क में उनको मिश्रित रूप में वो संचित हो गई, हमें उसके लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ा, क्योंकि ये मनुष्य का नैसर्गिक गुण है, प्राकृतिक गुण है कि ये प्रक्रिया अपने आप होती रहती है। तो वो सारी चीजें इकट्ठी हो गई और उसके बाद सहजात शक्ति से, यानी अपनी जो नैसर्गिक सामर्थ्य है उससे वो एक मिश्रित रूप ले लिया उसने। और प्राथमिक कल्पना क्या करती है, उस मिश्रित रूप को निश्चित आकार देती है, उसे व्यवस्थित करके जीवंत कर देती है। तो इसलिए उन्होंने, यानी कॉलरिज ने, वस्तुओं के मिले जुले रूप से एक निश्चित आकार का बोध कराने वाली शक्ति ही कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना है। अब एक उदाहरण के द्वारा हम इसको देखते हैं, समझने की मैं कोशिश करती हूं कि आपको मैं इस प्राथमिक कल्पना को समझा सकूं। हम किसी भी सड़क के मार्ग से जा रहे हैं, हमने देखा कि सड़क के एक किनारे पर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, बीच बीच में कहीं बिजली के खंभे हैं, कहीं पर पत्थर पड़ा है, कहीं दूसरी तरफ हमने देखा कि कचरे का ढेर भी पड़ा है, जैसा कि हमको अक्सर अपने देश में दिखाई देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सुंदर पार्क आता है, उसमें बहुत सारे फूल हैं, पत्तियां हैं, पौधे हैं, एक और बच्चे खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, ये सारे दृश्य हम देखते हैं। हम लौट कर आते हैं, ये सारे दृश्य जो हमने देखे, वो सारे दृश्य स्वाभाविक रूप से अपने आप हमारी किसी कोशिश के बिना हमारे मस्तिष्क में इकट्ठे हो गए मिश्रित रूप में। प्राथमिक कल्पना का काम क्या है, प्राथमिक कल्पना का काम है कि उसको व्यवस्थित क्रम प्रदान करे। कैसे व्यवस्थित, क्योंकि कल्पना में सौंदर्यीकरण करने की क्षमता भी है, तो ऐसे व्यवस्थित रूप प्रदान करे जिससे कि वो सुंदर रूप में हमारी आंखों के सामने प्रस्तुत रहे। यानी जो कुछ भी सुंदर है, हमने कचरे का ढेर भी देखा, हमारी प्राथमिक कल्पना हटा देगी, नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सुंदर सौंदर्य में बाधक बन रहा है। हम वृक्षों को देखेंगे, हम उसके बाद उस पार्क के सुंदर फूलों को देखेंगे, हम खेलते हुए बच्चों का एक दृश्य बनाएंगे, और इस प्रकार हमारी प्राथमिक कल्पना इन्हें एक सुंदर व्यवस्थित क्रम देकर हमारे मनस चक्षुओं के सामने प्रत्यक्ष कर देगी। और अगर हम रचनाकार हैं तो हम उस पर आधारित अपनी कोई भी कृति, कोई भी कविता लिखकर अभिव्यक्त कर देंगे। पाठक जब उस कविता को पढ़ेगा तो उसके सामने वो पूरा दृश्य जो हमारी प्राथमिक कल्पना ने हमें आधार रूप में क्रमबद्ध करके दिया था, वो उसके सामने जीवंत हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ये है प्राथमिक कल्पना का प्रत्यक्षीकृत करने का रूप। प्राथमिक कल्पना केवल मनुष्य के हृदय में प्रत्यक्ष करती है व्यवस्थित करके उस रूप को, लेकिन विशिष्ट कल्पना जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, वो रचनाकार के रूप में दूसरों के समक्ष उस दृश्य को बहुत सुंदर रूप में अभिव्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है। यही अंतर है दोनों का। उम्मीद करती हूँ कि समझ गए होंगे। वस्तुओं के मिले जुले रूप से एक निश्चित आकार का बोध कराने वाली शक्ति ही कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना है। कॉलरिज ब्रह्मवादियों की तरह आत्मा और जगत को एक ही सत्ता के दो रूप मानते हैं। दोस्तों, हमने शुरुआत में, सत्र के शुरुआत में ही एक बिंदु पर बात की थी कि कॉलरिज वो पहले काव्यशास्त्री हैं जिन्होंने दार्शनिक आधार पर अपने काव्यशास्त्रीय सिद्धांत, यानी कल्पना सिद्धांत को प्रस्तुत किया। वो बिंदु यहाँ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप ध्यान देंगे कि जिस तरह से भारतीय दर्शन में जो ब्रह्मवादी हैं, जो आत्मा और जगत को एक मानते हैं कि इस संसार में सब कुछ एक ही चेतना है, और वो चेतना आत्मा में भी है और संसार के कण कण में भी है, लेकिन हमें फिर ये एक चेतना भिन्न भिन्न रूपों में क्यों दिखाई देती है, उसका कारण ब्रह्मवादी मानते हैं कि माया के वशीभूत होकर, माया का आवरण पड़ने पर जब जीव देखता है दृश्यों को तो उन्हें वो भिन्न दिखाई देते हैं, और जो अपनी साधना के द्वारा माया के इस आवरण को तोड़ देते हैं
उन्हें बाहर भी वही दिखाई देता है जो उनके भीतर है, यानी चेतना का की जो भिन्नता है वो समाप्त हो जाती है। इस बात को यहाँ पर कॉलरिज ने ये तो स्वीकार किया कि आत्मा और जगत एक ही सत्ता के दो रूप हैं, लेकिन उन्होंने माया को इसमें भिन्नता का आधार नहीं माना, भिन्नता का कारण नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि प्राथमिक कल्पना के कारण ये चीजें हमें भिन्न दिखाई देती हैं, यानी आत्मा हमें अलग दिखाई देती है और संसार की वस्तुएं हमें अलग दिखाई देती हैं। उसका कारण, जिसका कारण ब्रह्मवादी माया को मानते हैं, उसका कारण कॉलरिज मानते हैं प्राथमिक कल्पना को। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कॉलरिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना मानव मस्तिष्क में मानसिक विश्व प्रस्तुत करती है। अभी बताया आपको दोस्तों कि कल्पना का कार्य होता है सौंदर्यीकरण करना, व्यवस्थित करना, प्राथमिक कल्पना का ये काम है। तो जब भी हम कोई दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को हम अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, तो प्राथमिक कल्पना हमारे हृदय में उसे सुंदर रूप में क्रमबद्ध कर प्रस्तुत करती है, और जो बाहर हमने देखा है उससे भिन्न होता है। और उसी के लिए यहाँ कहा कि प्राथमिक कल्पना मानव मस्तिष्क में एक मानसिक विश्व प्रस्तुत करती है, मानसिक जगत प्रस्तुत करती है। कॉलरिज ने प्राथमिक कल्पना को अधिक महत्व दिया। उनके अनुसार प्राथमिक कल्पना मनुष्य को वस्तुओं का प्राथमिक ज्ञान कराती है। इंद्रियों से प्राप्त बोध या ज्ञान को व्यवस्थित करने का कार्य प्राथमिक कल्पना करती है। इसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं कि हम जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण करते हैं, यानी आंखों से देखते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं कि कोई भी चीज कठोर है या कोमल, गंध से पहचानते हैं, इंद्रियों से कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान, उस ज्ञान को व्यवस्थित रूप प्रदान करने का कार्य कल्पना करती है। कौन सी कल्पना? प्राथमिक कल्पना। उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दोस्तों देखिए, जब हम कोई वस्तु देखते हैं तो आंखें उसके रूप और आकार का ज्ञान कराती हैं। हमने देखा किसके माध्यम से? अपनी आंखों के माध्यम से, इंद्रियां हैं। तो आंखों से हमने देखा कि उसका रूप कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसका बोध हुआ हमें। हाथों से उसके कोमल और कठोर रूप की प्रतीति होती है, हमें बोध हुआ कि ये जो वस्तु हम देख रहे हैं ये कोमल है या कठोर है। घ्राणेन्द्रिया यानी हमारी नाक हमको ये बताती है कि उसकी गंध कैसी है, और हमारी जिह्वा बताती है कि उसका स्वाद, वो वस्तु खाद्य वस्तु है। अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग इंद्रियों के माध्यम से हमें परिवेश की अलग अलग वस्तुओं का बोध होता है, ज्ञान होता है, और ये ज्ञान हमारे मस्तिष्क में इकट्ठा संचित होता रहता है। प्राथमिक कल्पना इस ज्ञान को, ये जो हमने इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया है ज्ञान, इसको व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप प्रदान कर इसे सौंदर्यीकृत करती है। इस प्रकार देखी हुई वस्तु के अनेक प्रकार के ज्ञान हमें प्राप्त हो जाते हैं। इन सभी बोधों को व्यवस्थित, क्रमिक और संयोजित करने का कार्य, क्योंकि कल्पना एक समन्वयकारी शक्ति भी है, तो उसको संयोजित करने का कार्य प्राथमिक कल्पना ही करती है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। प्राथमिक कल्पना ही सृजन की प्रेरणा देती है। कैसे? क्योंकि जब तक व्यवस्थित चीजें नहीं होंगी तब तक सृजन की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। कोई भी मजदूर जब कोई इमारत बनाता है, कोई दीवार खड़ी करता है, तो वो ऐसे ही ईंटों को नहीं रख देता ला करके। वो क्या करता है? पहले ईंटों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित रूप से जमाता है, फिर उनको सीमेंट से चिपकाता है, उसका घोल तैयार करता है, एक व्यवस्थित आकार देता है। पहले सारी सामग्री को एकत्र करता है व्यवस्थित क्रम से, जिस हिसाब से उसे आवश्यकता होने वाली है उस हिसाब से वो सारी वस्तुओं को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप में अपने पास रखता है। उसके बाद वो अपनी रचना के कार्य को शुरू करता है। उसी तरह से प्राथमिक कल्पना क्या काम करती है? प्राथमिक कल्पना जो कुछ भी हमने इंद्रियों से ग्रहण किया है, अपने परिवेश से, बाह्य जगत से, उस सब को व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप प्रदान करती है, और उसके बाद विशिष्ट कल्पना उसे नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो प्राथमिक कल्पना सृजन की प्रेरणा देती है। सृजन तभी संभव है जबकि अव्यवस्थित ज्ञान सुनियोजित और श्रृंखलित हो जाए, यानी क्रमबद्ध हो जाए। प्राथमिक कल्पना सृजनात्मक कल्पना है और यह प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान होती है, ये प्राथमिक कल्पना है। क्योंकि ये सृजनात्मक कल्पना क्यों है? क्योंकि सृजन का आधार तैयार करती है, और ये प्रत्येक मनुष्य होती है। जिसकी सृजनात्मक कल्पना, सृजनात्मक क्षमता जितनी अधिक विकसित हो जाती है उतना ही वो बड़ा कलाकार बन जाता है। अब बात आती है विशिष्ट कल्पना की। विशिष्ट कल्पना प्राथमिक कल्पना शक्ति का सजग मानवीय रूप है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक कल्पना ने
जो आधार प्रदान किया उसको दूसरों के सामने लाने का काम क्या कर कौन करती है? विशिष्ट करना। इसलिए वो सजग मानवीय रूप कहलाती है। यह कलाकार में पाई जाती है। प्राथमिक कल्पना सब में होती है, लेकिन विशिष्ट कल्पना केवल कलाकारों में पाई जाती है, क्योंकि ये उच्च स्तर की कल्पना होती है जिसके द्वारा कोई भी कलाकार रचना करता है, तथा काव्य सृजन में उपयोगी होती है। यहाँ क्योंकि हम काव्य के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, बल्कि ये है कि कोई भी कलाकृति के किसी भी कलाकृति के सृजन के लिए ये विशिष्ट कल्पना उपयोगी होती है। इसी की सहायता से कलाकार बाह्य जगत की वस्तुओं को पूर्ण प्रस्तुत कर पाता है। पूर्ण रूप का मतलब जैसा देखता है उसे और अधिक सुंदर बनाकर प्रभावशाली और आनंददायक रूप में उसे अभिव्यक्त करता है। जब हम अपनी इच्छा से प्राथमिक कल्पना शक्ति का प्रयोग करते तो उस अवसर पर उसका जो रूप हो जाता है वो विशिष्ट कल्पना कहलाती है। क्या अंतर है? वो प्राथमिक कल्पना केवल व्यवस्थित क्रमबद्ध और सुश्रृंखलित करती है जो भी दृश्य हमने देखे हैं। विशिष्ट उसका उसमें हम अपनी इच्छा नहीं लगा सकते प्राथमिक कल्पना में, वो सब अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हमारे अंदर चलता है। लेकिन जब हम उन इकट्ठे हुए व्यवस्थित किए गए दृश्यों को अपनी इच्छा से अपनी मन भावना के अनुरूप ढालकर कोई चीज बनाते हैं, कोई रचना बनाते हैं, तो उस समय जो कल्पना शक्ति काम करती है वो होती है विशिष्ट कल्पना, यानी प्राथमिक कल्पना का ऊपर का सोपान है विशिष्ट कल्पना, जिसके लिए कॉल शब्द सेकेंडरी इमेजिनेशन। आगे चले, डॉक्टर भगीरथ दीक्षित ने समीक्षा लोक नामक ग्रंथ में कल्पना विषय कॉलरिज के इस मत को समझाने की कोशिश की, यानी उन्होंने प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना के अंतर को बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। वे लिखते हैं, प्राथमिक कल्पना अव्यवस्थित इंद्रिय बोधों को व्यवस्थित करती है, किंतु ऐसा वह हमारी इच्छा के कारण नहीं करती। ध्यान दें, व्यवस्थित करने का कार्य ऑटोमेटिक प्रोसेस है, सहजात प्रक्रिया है जो प्राथमिक कल्पना करती है, वो हमारी इच्छा के कारण नहीं करती, वरन सहज रूप में ही ऐसा, क्योंकि वैसा हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का क्रम बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, विधान है। जब हम इस व्यवस्थापिका, यानी ये जो व्यवस्थित हुआ है, व्यवस्थापिका या विश्लेषणात्मक या संश्लेषणात्मक शक्ति का प्रयोग, ये जो व्यवस्थित हो गया उसका प्रयोग, उस व्यवस्थित कल्पना का प्रयोग अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, उस समय इसका मूल रूप प्राथमिक कल्पना ने जो आकार दिया वो तो बना रहता है, किंतु उसकी कार्य भेद हो जाता है। इस कारण इसका स्वरूप बदल जाती है और इस विशिष्ट कल्पना शक्ति का प्रयोग चित्रकार, दार्शनिक, कवि आदि सभी करते हैं। यही कारण अपने व्यापक अर्थ में यह एक सजग मानसिक क्रिया है। इसको हटा देंगे, दो जगह सजग आ गया है। विशिष्ट कल्पना का प्रयोग सजग रूप में इच्छा से किया जाता है। प्राथमिक कल्पना इच्छा से प्रयुक्त नहीं होती, वो अपने आप स्वतः होता है, लेकिन विशिष्ट कल्पना अपनी इच्छा से प्रयुक्त होती है। अतः इसका क्षेत्र, क्योंकि हम अपनी इच्छा से जितनी भी हम उड़ाने भर सकते हैं कल्पना की, उसके अनुसार सृजन कर सकते हैं, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, हमारी इच्छाएं भी व्यापक अनंत होती है। यह एक संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है जिसमें मन शक्ति के सभी पहलू, मन शक्ति हमारी जो मानसिक शक्ति है उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं, वो सारे पक्ष इस विशिष्ट कल्पना शक्ति में, इस विशिष्ट कल्पना में सक्रिय हो जाते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान शक्ति, पावर ऑफ परसेप्शन, यानी सारी चीजों को देखकर ग्रहण करने की क्षमता, विचार शक्ति, इंटेलेक्ट, यानी उन जो हमने ग्रहण किया है उस पर सोचने की क्षमता, संकल्प शक्ति, उसके द्वारा सृजन करने की का संकल्प करने की क्षमता, और मनोवेग और भावनाओं का स्पर्क देकर, भावनाओं का स्पर्श देकर, संवेदनाओं का स्पर्श देकर एक आकार बनाने की जो प्रक्रिया है, वो सारे के सारे हमारे जो मन शक्ति के पक्ष हैं, वो सब उस कल्पना में जो कि आत्मिक ऊर्जा है, संयुक्त आत्मिक ऊर्जा है, उसमें समाहित हो जाते हैं। तो विशिष्ट कल्पना को कॉलरिज ने संयुक्त आत्मिक ऊर्जा क्यों कहा? क्योंकि उसमें मन शक्ति के सारे पहलू होकर एक साथ मिलकर के संगठित रूप होकर के कार्य करते हैं, और तभी कोई भी सुंदर रचना हमारे सामने प्रस्तुत हो पाती है।
प्राथमिक कल्पना द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव के अनगण तत्वों से नव सृजन करना ही विशिष्ट कल्पना का काम है। यानी प्राथमिक कल्पना एक रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल उपलब्ध कराती है और उस कच्चे माल के द्वारा अपनी कल्पना की उड़ान भरकर अपनी इच्छा के अनुसार कलाकार जब सृजन करता है तो वो जो कल्पना शक्ति होती है वह विशिष्ट कल्पना होती है। इस प्रकार विशिष्ट कल्पना नया आकार देने वाली शक्ति है, यानी नव सृजन करने वाली शक्ति है। इसके प्रयोग से पदार्थ वैसे नहीं रहते जैसे कि बाह्य जगत या प्रकृति में दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रकृति में सड़क के किनारे अगर सुंदर वृक्ष हैं, फूलों से लदे हुए गुलमोहर के पेड़ हैं, तो दूसरी तरफ कचरे का ढेर भी है। तो बाह्य जगत तो हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम विशिष्ट कल्पना से जिस सड़क का दृश्य चित्रित करते हैं, जिस सड़क पर कविता लिखते हैं, उसमें केवल और केवल गुलमोहर के पेड़ और साथ में अमलतास के पेड़ भी शामिल हो जाते हैं। ये है विशिष्ट कल्पना शक्ति की सौंदर्यीकरण करने की क्षमता, नया सृजन करने की क्षमता। इसीलिए कहा गया कि इसके प्रयोग से, विशिष्ट कल्पना के स्पर्श से, जो बाहरी परिवेश में दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा नहीं होता, उनका रूप सर्जक की मानसिक चिंतन धारा के अनुरूप ढल जाता है। जो मानसिक चिंतन चल रहा है सृजन करने वाले व्यक्ति का, उसकी चिंतन धारा के अनुरूप वो सारी वस्तुएं उस विशिष्ट कल्पना के स्पर्श से परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया में सर्जक के मन में क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि सक्रिय होता है मनस्थिति के सारे पक्ष उस समय सक्रिय होते हैं, तो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होती हैं, यहां तक कि सर्जक के मस्तिष्क और प्रकृति में कोई भेद नहीं रह जाता, सब कुछ एकाकार हो जाता है। जब एकता स्थापित होती है तभी सृजन का आनंद उठाया जा सकता है। जब तक एकाग्रता नहीं होगी, जब तक वस्तु के साथ तादात्म्य स्थापित नहीं होगा, तब तक सृजन हो ही नहीं सकता। तो प्रकृति में कोई भेद सर्जक के मस्तिष्क में, प्रकृति में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एकाकार हो जाते हैं। या जो कुछ उसने परिवेश से ग्रहण किया है, जो कुछ उसने अपने मस्तिष्क में सृजित किया है, वो सब मिलकर एक हो जाते हैं और तब एक नया आकार हमारे सामने आता है। कॉलरिज प्राथमिक कल्पना को समन्वयकारी और विशिष्ट कल्पना को ध्यान देंगे। प्राथमिक कल्पना समन्वयकारी है और विशिष्ट कल्पना रूपांतरकारी शक्ति के रूप में मानते हैं। रूपांतरकारी, जो कुछ समन्वित करके प्राथमिक कल्पना ने, उसका रूप बदल करके एक नए रूप में एक नई कृति का निर्माण करने का काम करती है रूपांतरकारी शक्ति। और जो आंतरिक ऊर्जा के विभिन्न घटकों को संघटित कर उन्हें सृजन में संलग्न करती है। अभी हमने मनस्थिति के विभिन्न पहलुओं, जिसमें संकल्प शक्ति, विचार शक्ति, प्रतिबोधन शक्ति, ये सारी की सारी सामर्थ्य थी, उन सब घटकों को, वो सारे जो तत्व हैं हमारे मस्तिष्क के, हमारी आंतरिक ऊर्जा के, उन सबको संगठित करती है विशिष्ट कल्पना और सृजन में के कार्य में लगा देती है और मस्तिष्क और प्रकृति में तादात्म्य स्थापित करती है। अब बात आती है विविध, ये तो हो गई दोनों प्रकार की कल्पना के अलावा कि कल्पना, कॉलरिज का कहना था, केवल साहित्य में या कलाकृतियों के निर्माण में ही इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि वो प्रत्येक क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए काम उपयोगी होती है। तो वे लिखते हैं, दार्शनिक, उपदेशक, सभी विशिष्ट कल्पना का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी व्यंजना के लिए विशिष्ट कल्पना का सहारा लेते हैं, क्योंकि विशिष्ट कल्पना की खास बात क्या है कि उसका प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया जा सकता है, उसका क्षेत्र व्यापक होता है, इसलिए सब विशिष्ट कल्पना का सहारा लेते हैं, किंतु सबके उद्देश्य भिन्न है, सबकी मानसिक चिंतन धारा अलग है, कृतियां निर्मित होती हैं, वे भिन्न होती हैं। उद्देश्यगत भिन्नता और कलाकृतियों में स्वरूप भिन्नता इसी से उत्पन्न होती है। कॉलरिज कहते हैं, अ डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट सप्लाइज एन एडिशनल ग्राउंड ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यानी एक दूसरे से विशिष्ट दिखना, वो कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य की भिन्नता, जो कुछ हमारे पास है उस हमारी जो चिंतन है, वो जो कंटेंट है, जो हमारा जो चिंतन, हमारे मस्तिष्क में जो मटेरियल पड़ा है, जो विषय पड़ा है, उस सब की भिन्नता के कारण ही हमें जो निर्मित वस्तुएं वो एक दूसरे से विशिष्ट और भिन्न प्रतीत होती हैं, जबकि आधारभूत सामग्री सबकी एक होती है। केवल दृष्टिकोण, उद्देश्य और सृजन का उद्देश्य
चिंतन धारा, इन सब की भिन्नता के कारण ही वस्तुएं हमें भिन्न दिखाई देती हैं। काव्य और अन्य कलाकृतियां दृष्टियों से समान हैं। पहला कारण है कि विशिष्ट कल्पना का प्रयोग सभी में होता है, कलाकृतियों, मूर्तिकला, चित्रकला आदि में भी और काव्य में भी। दूसरा, इन सब में भाषा का प्रयोग होता है। भाषा के प्रयोग के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कलाकार भी यदि अपनी बात को अभिव्यक्त करता है, कलाकार चाहे वो मूर्तिकार है, तो वो भाषा के माध्यम से पहले उसे एक निश्चित आकार देता है, दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, उसके बाद उसे पत्थर के सांचे में ढालता है। तो दो समानताएं इन्होंने बताई। कांट और कॉलरिज, जिसकी हमने चर्चा की थी कि कांट भाव है कॉलरिज के विचारों पर, उस पर भी एक छोटी सी देते हैं। कल्पना सिद्धांत में कॉलरिज पर कांट का प्रभाव दिखाई देता है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है। जर्मन दार्शनिक कांट ने कल्पना का बहुत गहन विस्तृत किया और कॉलरिज ने भी किया। यही कारण है कि इस एक समानता के कारण कि दोनों ने कल्पना का गहन विश्लेषण कर अभिव्यक्त किए अपने विचार, इसीलिए कांट का प्रभाव कॉलरिज पर मानते हैं। तो कांट ने जब कल्पना की बात की तो उन्होंने तीन प्रकार की कल्पनाओं का उल्लेख किया, जबकि कॉलरिज ने केवल दो प्रकार की कल्पनाएं मानी। उन्होंने कहा पुनर्निर्माण की कल्पना पहली कल्पना है, द रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन, जिस पुनर्निर्माण करने की क्षमता है। कॉलरिज ने इस कल्पना को फैंटेसी का नाम दिया। यह मन क्षेत्र में वर्तमान व्यवस्थित तत्वों को फिर से प्रतिष्ठित करती है। ये किसने कहा? जर्मन विद्वान कांट ने कहा। इसको फैंटेसी कहा किसने? कॉलरिज ने। दूसरी कल्पना कांट ने मानी उद्भावक कल्पना शक्ति, द रिप्रोडक्टिव इमेजिनेशन। इसके द्वारा मन विविध अव्यवस्थित तत्वों को से जो सामग्री है उससे नवीन रूपों की योजना बनाता है। कॉलरिज इसे प्राइमरी इमेजिनेशन कहते हैं। तीसरी कल्पना कांट ने मानी सौंदर्य बोधक कल्पना, एस्थेटिक इमेजिनेशन। एस्थेटिक इमेजिनेशन में कांट ने कल्पना का संबंध बुद्धि से माना। इसे यही जिस अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं विशिष्ट कल्पना और प्राथमिक कल्पना का विश्लेषण करते समय कॉलरिज, वही अंडरस्टैंडिंग यहां पर जब कल्पना को कांट कल्पना का संबंध बुद्धि से मानते हैं तब उसी अंडरस्टैंडिंग की ओर संकेत करते हैं। बात आती है कि कल्पना तत्व का काव्य में क्या उपयोगिता है, साहित्य में क्यों पढ़े हम कल्पना तत्व को? तो कल्पना ही वह शक्ति है जिसके द्वारा मनुष्य का मानस आंदोलित रहता है, यानी आंदोलित कैसे रहता है, हृदय में तरह तरह के विचार उत्पन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कल्पना शक्ति है। कल्पना के सहारे पूर्वानुमित पदार्थों के आधार पर विभिन्न रूपों के प्रदर्शन करने में समर्थ होते हैं और वो सृजक होता है, जो सर्जक होता है, जो रचनाकार होता है, वो अपने जो पहले की अनुभूतियां हैं उस अनुभूतियों के आधार पर इच्छा अनुकूल अभिव्यक्ति करने का सामर्थ्य रखता है और वो केवल और केवल कल्पना के कारण ही संभव होता है। कथानक में कल्पना का प्रयोग रोचकता उत्पन्न करता है। कथानक में अगर कल्पना का प्रयोग नहीं होगा तो वो नीरस और बोझिल बन जाएगा। अतीत के धुंधले चित्रपट की अव्यवस्थित श्रृंखलाओं को व्यवस्थित करने के लिए कल्पना शक्ति है। मान लीजिए कोई अपना संस्मरण लिख रहा है तो संस्मरण बचपन की जो स्मृतियां हैं वो बहुत धुंधली हो गई हैं और उन्हें लिखना है, तो कल्पना के सहारे जो कुछ भी स्मृतियों के कण शेष हैं उनको समायोजित कर एक नए रूप में अभिव्यक्त करना होगा। तो ये कल्पना काम है जो साहित्य के लिए उपादेय यानी उपयोगी साबित होता है। कल्पना की सहायता से पात्रों का व्यक्तित्व निरूपित करते हैं कवि, सर्जक सृजित करते हैं और विकास की प्रक्रिया भी दिखाते हैं और वही पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त होता है और पाठक कृति के आनंद में डूब जाता है। कल्पना के आकर्षक प्रयोग से संवाद, वाक चातुर्य, वस्तु वर्णन, व्यक्ति वर्णन, आलंबन का रूप आदि सब कुछ क्यों निखरता है? क्यों उद्धव के सामने तर्क प्रस्तुत करती हुई गोपियां हमें आनंदित करती हैं? वो वाक चातुर्य क्या है? उस वाक चातुर्य में विद्यमान है कल्पना शक्ति। किसकी? कवि की। कवि कौन है? सूरदास। तो ये जो कुछ भी हमें आनंददायक लगता है केवल और केवल कवि की उसी कल्पना शक्ति का नतीजा होता है। कल्पना के संस्पर्श से भाषा शैली में चारुता यानी सौंदर्य आता है, व्यंजकता यानी अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने की सामर्थ्य उत्पन्न होती है, रमणीयता यानी सौंदर्य उत्पन्न होता है। फलतः एक उत्कृष्ट, सटीक, रंगीक और मधुर साहित्य का सृजन होता है। इस
इसलिए कॉलरिज का कहना है कि काव्य के सृजन में कल्पना का अन्यतम स्थान है, उसके बिना एक श्रेष्ठ कृति की कल्पना की ही नहीं जा सकती। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें हमने कॉलरिज के कल्पना सिद्धांत की बात की। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कल्पना सिद्धांत पढ़ते पढ़ते आप भी कल्पना की उड़ानों में डूब गए हों। तो कल्पना की उड़ाने कीजिए, लेकिन उन कल्पनाओं को यथार्थ में बदलने के लिए परिश्रम भी कीजिए। तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।